दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना सीखेंगे। हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज को हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो में बनाएंगे। तो इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। हमारे पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, ये फ़ोटो को हम ओपन करके रखे हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज आपको पता नहीं है तो हम बता रहे हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो का स्टैंडर्ड साइज होता है 35x45 mm। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं रूलर है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में रूलर नहीं दिखा रहा है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर दिखाई देगा। अगर पहले से रहेगा तो हट जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों, ये रूलर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये रूलर इंच में है या सेंटीमीटर में है, इसको कैसे चेक करेंगे वो हम बताते हैं आपको। इस पर राइट क्लिक करेंगे कर्सर ले जाके, तो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों इंच में है, पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हम फोटो को पासपोर्ट साइज में क्रॉप करेंगे तो हम मिलीमीटर में क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मिलीमीटर। तो दोस्तों, ये मिलीमीटर में हो गया है। अब इसको हम पासपोर्ट साइज के में क्रॉप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं विड्थ, हाइट डालेंगे, फिर रिजोल्यूशन डालेंगे। तो पासपोर्ट साइज का स्टैंडर्ड साइज 35x45 mm होता है। तो हम यहाँ पे विड्थ में 35 mm डालते हैं, 35 mm मतलब मिलीमीटर। अब हाइट में 45 mm मिलीमीटर, रिजोल्यूशन 300 रखेंगे। अब दोस्तों, ये साइज में आ गया 35x45, लेकिन हमें पासपोर्ट साइज में फुल फोटो नहीं चाहिए तो हम इसको क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से एडजस्ट करेंगे इमेज को। तो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, बन गया है। तो ये बॉक्स जितने एरिया में रहेगा उतने एरिया हमारा क्रॉप हो जाएगा। तो पासपोर्ट साइज में यहाँ तक क्रॉप कर लेते हैं। थोड़ा शोल्डर आएगा उसमें। यहाँ पे ओके कर देंगे, कंट्रोल जीरो करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फोटो हमने क्रॉप कर लिया है पासपोर्ट साइज में। इसको और एडजस्ट करना है तो कंट्रोल ए कंट्रोल टी करेंगे, इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं कंट्रोल जे से। तो यहाँ देख रहे हैं लेयर वन बन गया है। कंट्रोल ए कंट्रोल टी करेंगे तो और एडजस्ट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने 35x45 mm में क्रॉप कर लिया है। अब इसको हम स्ट्रोक देंगे दोस्तों। एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक आउटलाइन देंगे इमेज को और इसको 1 pixel देंगे और वाइट कलर का, नहीं तो ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। ब्लैक कलर का दे दिए, इनसाइड सेंटर आउटसाइड इनसाइड देते हैं, ओके कर दें। तो इस पर एक ब्लैक कलर का आउटलाइन आ गया है दोस्तों। अब इसको हम कॉपी करेंगे इस इमेज को, कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे 4x6 का। तो एक न्यू पेज लेंगे कंट्रोल एन से, यहाँ पे डाल देंगे 6, विड्थ 6, हाइट 4 और ओके कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, 4x6 का एक पेज ओपन हो गया है। तो जब हम 4x6 में इसको प्रिंट करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हैं प्रिंटर से। तो जो हमने पहले क्रॉप किया है 35x45 mm का, इसको कंट्रोल ए किए हमने और कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा इमेज।
और यहाँ पे आके 4x6 का जो डॉक्यूमेंट लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। उसके बाद में दोस्तों इसकी कॉपी बना लेंगे हम। अल्ट प्रेस करके माउस से इमेज को ड्रैग करेंगे तो देखिए दूसरा लेयर बन गया। फिर अल्ट प्रेस किए रहेंगे इमेज पर से ड्रैग करेंगे तो दूसरा बन जाएगा। सेम प्रोसेस करते जाएंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका 2, 3, 4 लेयर बन गया है। तो एडजस्ट कर लेते हैं इसको, सबको एक साथ में यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके। तो एक साथ में लेयर हो गया है। अब इसको मूव करेंगे लेफ्ट एरो बटन से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 4 फोटो हो गया है। अब इसी को ये चारों सिलेक्ट है। अब अल्ट प्रेस करके इमेज पर माउस से ड्रैग करेंगे तो इसका दूसरा कॉपी बन जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों 4x6 के पेज में डॉक्यूमेंट में 8 फोटो हमारा पासपोर्ट साइज बन गया है। आप जूम करके देख सकते हैं। इसको हम सेव कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का नाम दे देंगे यहाँ पे, पासपोर्ट साइज। अब इसको सेव कर देंगे दोस्तों, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं हम पासपोर्ट साइज नाम से। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों PSD फाइल सेव हुआ। अभी हमें इसका इमेज फाइल सेव करना है तो हम सेव एज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो PSD क्लिक था इसलिए PSD सेव हो गया है। तो यहाँ से चेंज करना रहता है दोस्तों जब इमेज में हमें चाहिए रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे हम JPEG कर लेंगे या तो PNG कर लेंगे। तो JPEG पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ JPG ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज सेव हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा 1.5 MB का ये है। अगर आप इसका साइज यहाँ से कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं, लेकिन हम कम नहीं करेंगे। अभी ओके कर देंगे तो हमारा ये इमेज सेव हो गया है। अभी जाके हम डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज लिखा है, इसको क्लिक किए डबल तो हमारा इमेज ओपन होके आ गया। तो आपने देखा हमने कैसे पासपोर्ट साइज बनाया फोटो। अगर इसको प्रिंट करना है दोस्तों तो प्रिंटर हमारा जब कनेक्ट रहेगा PC से तो यहीं से फाइल में जाके प्रिंट पे करेंगे। उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंटर ऐड नहीं है दोस्तों इसलिए नहीं दिखा रहा है। प्रिंटर जब ऐड रहेगा तो यहाँ से सिलेक्ट करके अब प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट होके निकल जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। तो आपने देखा हमने एक फ़ोटो को पासपोर्ट साइज में क्रॉप करके उसको नया 4x6 का पेज लेके उस पर कैसे पेस्ट किया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।